राधे राधे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाडो सुनीता वर्ल्ड। तो आज हम जा रहे हैं फर्स्ट ट्रेवल ब्लॉग बनाने मम्मी के साथ। तो आज कहाँ जा रहे हैं वो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो अभी आपको हम दिखाते हैं और भी, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप देख रहे हैं, मम्मी को भी दिखा देते हैं कि रेडी है कि नहीं। जब मम्मी हो गई रेडी और मम्मी के तो फैमिली हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, बस निकल रहे हैं घर से और हमारे दोनों भाई घर पे ही रहेंगे और मैं और मम्मी ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो ब्लॉग देखिएगा पूरा, आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। पहली बार हम मम्मी घर से निकल रहे हैं अकेले, मतलब मैं और मम्मी, बस और कोई नहीं। और ट्रेवल ब्लॉग है, थोड़ा दूर जाना है तो देखते हैं, आप लोग को दिखाएँगे ही। तो चलिए लखनऊ से बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये आपको ब्लॉग में पता चलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ जाके कर लीजिएगा। मैं और मम्मी खड़े हुए वेट कर रहे हैं बस का फतेहपुर की, लेकिन आ नहीं रही है, देखिए कब आती है मिलती है। देख सकते हैं गंगा जी को कितना अच्छा व्यू लग रहा है। फतेहपुर पहुंच चुके थे, उसके बाद आप देख ही सकते हैं मैंने रास्ते का थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, ये चौराहा की याद रहे हम आए थे इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। तो देख ही सकते हैं, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना यार। यहाँ पे हम पहुंच चुके थे भैया के स्टूडियो में और आप स्टूडियो देख के तो समझ ही गए होंगे, लोग देख ही सकते हैं कि भैया लोग एडिटिंग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं और आप समझ गए होंगे कि मैं कहां पर आई हूं। तो यहां पे अंशु भैया भी मुझे मिले और अल्तमश भैया और एसएम जयकर, आपने सबके नाम सुने होंगे और होप टॉक पे देखा भी होगा। और टेक चैंपियन सपोर्ट अंशु भैया का नेचर, अल्तमश भैया का और एसएम जयकर का बहुत अच्छा नेचर है, बहुत ही अच्छा हमें लगा यहाँ के, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार यहाँ आए हैं। तो दोस्तों बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैम को सपोर्ट करिए, इनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और ये अच्छी अच्छी वीडियो बना रही हैं और अच्छे वीडियो आगे लाएंगी ना। पक्का वादा करिए उनसे, पक्का वादा करिए, वादा करिए आपको अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाली है। तो प्लीज़ इनको सपोर्ट करिए, इनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप समझ सकते हैं गाइस, जब किसी के पेरेंट्स नहीं होते ना और जब घर के खर्चे होते हैं, अब आप समझ यहाँ समझ सकते हैं आपके भी घर में कोई ना कोई बीमार होता होगा, कितना पैसा लगता है आप समझिए, बच्चे पढ़ने वाले होंगे कितना पैसा होता है बताइए, आज का 10-15 हज़ार भाई ऐसे नॉर्मल खर्चा होता है और उसके बाद इनके पास कोई कमाने वाला नहीं, कैसे मैनेज होगा आप बताइए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए मैम को, ठीक है, थैंक यू। हम कहाँ आए हैं समझ गए होंगे आप लोग व्लॉग में देखकर। कैसे हैं आप लोग, कैसा लगा मैम यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, भैया से मिलकर ऐसा लगता है कि हमारे कोई मतलब बहुत पास के हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि हम इन्हें नहीं जानते हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब लगेगा, यहाँ पे आके ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप अनजान जगह आए हैं। माता जी भी आई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पर आने में? नहीं यहाँ दिक्कत तो कुछ नहीं हुई ज़्यादा। चलिए ठीक है। और भैया मम्मी से मिले, सारी बातें हुई, बहुत अच्छे भैया हैं, बहुत ज़्यादा मम्मी रोने लगी, भैया ने मम्मी को बहुत चुप कराया कि आप शांत हो जाइए रोइए मत, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी अननोन से मिले या हम जानते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा
बहुत अच्छे हैं भैया लोग, सभी लोग। तो फैमिली अब हम निकल चुके हैं स्टूडियो से और जा रहे हैं घर की तरफ लखनऊ। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे वहीं पे। अगर बस में मैं शूट करूंगी तो दिखाऊंगी आप लोग को, देखने को मिलेगा। तो फैमिली चाय पी रहे हैं, अभी चाय पी लेते फिर दिखाते हैं आप लोग को। घर से आवे बहुत देर लगती है, वहाँ से भी नौ बजे वाली लेट करके जो है आते। तो मैं खा रही हूँ बिस्किट और मम्मी बैठी हुई है, चाय पी लें फिर घर के लिए निकलते हैं। ये अंकल भी चाय पी रहे हैं, हम लोग फतेहपुर में बस उतरान दिखाई है। तो अब हम निकल चुके हैं फतेहपुर से और घर जा रहे हैं। मम्मी कैसा लगा? बाकी हम आपसे बात पर घर पर करेंगे, तुम चलिए। तो फैमिली हमें अब रात हो चुकी है, घर पहुँचते पहुँचते घर पहुँच चुकी, एडिटिंग करूँगी और फिर ब्लॉग आप लोग तक आज ही मैं डालूँगी रात में, कि आप लोग तक ब्लॉग